मिट्टी के चूल्हे में, और यहाँ हमारा कड़कनाथ तैयार हो रहा है। देख के ही ये जो लग रहा है ना, एक्चुअली बोलू क्या, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शुरू कर न्यू ब्लॉग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे से हैं और अभी हम लोग हैं गांव पे। जैसा कि आपको मालूम चला है, सुबह सुबह गांव पहुंचे हैं और आज एकदम यूनिक तरीके से बनने जा रहा है कड़कनाथ गांव के स्टाइल में चूल्हा पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बनता है। एक बार इससे पहले खा चुके हैं ऑलरेडी, और वो खाए थे अंकल के साथ ही, जहाँ आप देखे थे रांची में, और आज भी अंकल के साथ ही हैं और अंकल प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि गांव में, गांव के चूल्हा पे किस तरीके से, नए तरीके से बनता है कड़कनाथ। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरा रेसिपी। फ्रेंड्स, ये देखिए आज बकने वाला है कड़कनाथ। ये देखिए, ओह, आज मेरा सेकंड टाइम होगा खाने का कड़कनाथ। मस्त दिख रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी के चूल्हे पे आग जल चुका है और कढ़ाई ऊपर रखा गया है, और कढ़ाई गर्म होने का वेट हो रहा है। उसके बाद इसमें डलाएगा तेल। ये गया इसमें तेल, बस ये जा चुका है तेल। कढ़ाई गर्म हो चुका है और करीब 2 किलो के हिसाब से, चिकन के हिसाब से तेल डाला गया है। और इसमें जा रहा है जीरा का फोरन, ये देखिए, और ये कच्चा लहसुन भी छिला रहा है इसमें गोटा डालने के लिए। ये गया सूखा लाल मिर्च, इसमें गया देखिए छिला हुआ लहसुन, लहसुन का पोट छील के इसमें डाल दिया गया। लहसुन डालने के बाद वाल पूरा फंसाने लगा है। ये बिल्कुल नया तरीका से एकदम बन रहा है। ये देखिए बाहर भी आ गया लहसुन। अब इसमें जाएगा प्याज, इसमें प्याज जला रहा है। देखिए 2 किलो चिकन में एक किलो का प्याज डाला गया है। प्याज डाल के सबसे साथ में फ्राइज कर लिया जाएगा अच्छे तरीके से। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है, क्योंकि बन रहा है मिट्टी के चूल्हे पे। ये देखिए, और गोईठा आँच लग रहा है, हमारे अंकल मेहनत करने में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, कवर कर कर के इसको प्याज को भूनते रहना है, ताकि हमारा प्याज अपने कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ये हमारा जा रहा है इसमें कड़कनाथ। ये देखिए, हम एकदम मतलब यहाँ अलग तरीके से बन रहा है। प्याज अच्छा से फ्राई हो चुका था, तो हम इसमें मसाला नहीं डाल रहे हैं, पहले हम इसमें डाल रहे हैं कड़कनाथ। तो ये देखिए, और कड़कनाथ तो हमने हल्दी से मैरिनेट करके रखा था, और ये अब इसमें गया बढ़िया हमारा कड़कनाथ। और अब सबको साथ में एक बार मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से चला देंगे, ताकि वो प्याज के साथ अच्छे से हमारा मुर्गा मिक्स हो जाए। ये देखिए, फ्रेंड्स कितना मस्त आग जला हुआ है, गोईठा वाला आग मिट्टी के चूल्हे में। और यहाँ हमारा कड़कनाथ तैयार हो रहा है, और अंकल बहुत प्यार से एकदम बना रहे हैं। इसमें तेल का ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स, बिकॉज ये एकदम इसमें फैट नहीं होता है। तो अब देखिए प्याज ही पानी छोड़ने लगा है, तो जो भी है ये उसी से पकेगा। तो देखिए खूबसूरत कलर, जबकि अभी मसाला हमने डाला ही नहीं है कुछ, फिर भी इसका कलर हल्दी से मैरिनेट किया था, तो कलर इसका थोड़ा बहुत दिखने लगा है। तो थोड़ी देर में इसमें मसाला डालेंगे। जा रहा है इसमें नमक, और नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा गया इसमें मसाला, जिसमें आपका हल्दी, धनिया, गोलकी, अदरक, लहसुन का पेस्ट सब मिक्स है। और ये देखिए, ये पिसा हुआ घर का मसाला है। ये
हमारा अच्छा से मसाला एकदम मिक्स हो गया है और ये देखिए थोड़ी देर में सर कलर भी चेंज हो जाएगा और प्याज जो पानी छोड़ा है ये पूरा उसी से पकेगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी हम लोग नहीं मिलाएंगे। तो काफ़ी टेस्टी बनने वाला है ये देख के ही लग रहा है। एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए चारों तरफ खूबसूरत प्यारा सा गांव और ये इधर खेती हरियाली हरियाली और ये चारों तरफ घर और ये हमारा बीच का आंगन घर का और यहाँ पे जो अंकल हैं बहुत ही मन से बहुत ही प्यार से हमारे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कड़कनाथ। ये देखिए अंकल जी, ये देखिए यहाँ पे बन रहा हमारा कड़कनाथ बीच आंगन में। तो ऐसा मॉल कहाँ शहर में मिलेगा, चारों तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और बीच आंगन में बन रहा है कड़कनाथ। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, एकदम सब मसाला एकदम अच्छे से इसमें समा चुका है जो आप उसके बोलिए और काफ़ी खूबसूरत अभी से इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने के बाद कितना यम्मी टेस्टी दिखेगा। और पानी आप देखिए बिल्कुल ही पानी का यूज़ नहीं किया गया है, बस पानी पूरा सूख गया है ये देखिए और इसी से ये अच्छे से पक जाएगा। प्याज भी हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है। देखिए हमारा प्लेट सज चुका है, ये रहा कड़कनाथ चावल और इधर मेरा है, इधर सर का है और ये प्याज और मिर्चा नमक। तो सर आज बताएंगे टेस्ट करके कैसा बना है यहाँ का, बिल्कुल चूल्हा पर का खाना। हाँ और बहुत ही ज़बरदस्त है, तो अभी टेस्ट किया नहीं है लेकिन देख के ही ये जो लग रहा है ना, एक्चुअली बोलूँ कि आप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं शुरू करता हूँ। हाँ सर शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, टेस्ट करके मैं बताता हूँ कि क्या है कैसा। ठीक है सर, ठीक है सर, ज़बरदस्त होना है इसे। तो जैसा ये देख के लाजवाब, जीभ से मेरे पानी आ रहा है बिल्कुल। बनाया भी गया बहुत प्यार से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छा, एकदम छलकता हुआ तेल, मज़ेदार कड़कनाथ। वाह, अल्टीमेट अल्टीमेट है सर। और कैसा पका है सर ये देखिए, चिकन कैसा पका है, बिल्कुल सिझा हुआ है सर, सिझा ना, बिल्कुल सिझा हुआ मस्त एकदम कड़कनाथ ये। और आपको बताऊँ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरा कड़कनाथ। अच्छा फर्स्ट टाइम है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कड़कनाथ, नाम बहुत सुना, पहली बार आज खा रहा हूँ। चलिए सर इंजॉय कीजिए और मैं भी फिर अपना खाता हूँ, है ना। प्लीज प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, सेम हाल आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मुंह से भी पानी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ तो सर बैठे हुए अंदर और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मगर अंकल बोले कि हमारा भी रिव्यू लो। तो देखिए अंकल और अंकल के फ्रेंड यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग बताइए कैसा है। एकदम लाजवाब। और यहाँ देखिए इनका चल रहा है सत्तू भर के कचौड़ी और ये रहा कड़कनाथ, तो एकदम कैसा, आपके इतना प्यार से बनाया तो अच्छा तो बनेगा ही बनेगा, मस्त मस्त। चलिए तो फ्रेंड्स अब ऐसा सीन है कि फाइनली सबका बनाने का मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो बहुत प्यार से बना है, सही में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब सॉलिड। और ये देखिए एकदम जो इसका पीस भी है बहुत बढ़िया तरीके से, देखिए एकदम गल गया है, बहुत सॉफ्ट। तो फटाफट खाते हैं क्योंकि बर्दाश्त। नहीं खाओगे क्या, खा के देखो ना, एक बार खाओ ना, मस्त वाला पेट हो गया फुल टाइट, ये एक नंबर बना था और इतने प्यार से अंकल ने बनाया था, मज़ा आ गया खा के, सही में सेकंड टाइम था कड़कनाथ, सर ने भी कहा सबको पसंद आया। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करते हैं यही पेंड, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए मस्ती और धमाके के साथ, तब तक लिए बाय। Yeah!